गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब एंड आई जी टी वी चैनल, क्योंकि ये जो वीडियो है वो दोनों यूट्यूब एंड आई जी टी वी पे दोनों पे जाने वाला है, क्योंकि जो मेरी यूट्यूब की फैम है इंस्टाग्राम की फैम है दोनों भी अलग है। सो मैं नहीं चाहती कि ये वीडियो कोई भी मिस करे। नाउ जब से मैंने लास्ट रील पोस्ट किया है ट्रेटिनोइन पे, ओ माई गॉड आई गॉट सो मैनी क्वेश्चंस कि हमें इसे कैसे यूज़ करना है, क्या हमारे एक्ने मार्क्स वगैरह जाएंगे या नहीं, आप प्लीज़ हमें डिटेल वीडियो बताओ। सो येस हियर आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं पर्पजली थोड़ा डिले कर रही थी, बिकॉज ये जो क्रीम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड मैं नहीं चाहती कि आप ये क्रीम को लो एंड आप कैसे भी यूज़ करो, बिकॉज इस क्रीम के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो कि मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। सो येस विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो वीडियो में जाने से पहले लेट मी टेल यू गाइस कि मैंने अपने फेस पे कोई भी मेकअप वेयर नहीं किया हुआ है, जैसे कि आप मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हो। मैंने बस लिपस्टिक वेयर की है जस्ट टू लुक अ बिट मोर प्रेजेंटेबल इन द वीडियो, बाकी मैंने कुछ भी वेयर नहीं किया है। आई हैव जस्ट वॉश्ड माई फेस एंड मेरा फेस ऐसा ही है। नाउ अगर मैं मेरे स्किन टाइप की बात करूँ तो जो मेरा स्किन है वो है नॉर्मल टू ड्राई, बट जो भी अभी फ़िलहाल जो मेरी स्किन कर रही है वो बहुत ज़्यादा ड्राई टू एक्सट्रीमली ड्राई पे चली गई है, क्योंकि मैं कुछ प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे एक्ने मार्क्स एंड एक्नेज है यहाँ पे, बट फिर भी अभी बहुत हद तक कम हो गया है। एंड यहाँ पे भी यू गाइस कैन सी फ्यू एक्ने मार्क्स एंड एक्ने, नाउ एक्ने मुझे इतने ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं फिलहाल, बट एक्ने मार्क्स है मुझे। नाउ जो मैंने रील पोस्ट किया था वो जो उस रील में जो भी मैंने अपने एक्नेस दिखाए थे वो आई थिंक अराउंड लास्ट ईयर का था, आई थिंक 2019, यस 2019 का था वो, एंड तब मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए थे। ओ माई गॉड, मतलब इतने ज़्यादा एक्ने हो गए थे, ये कुछ भी नहीं है उस जो एक्ने वाला फेस था मेरा, उस फेस में ये कुछ भी नहीं है एक्ने। सो उस टाइम पे मुझे इतने सारे एक्ने हो गए थे, तब मैंने ट्रेटिनोइन यूज़ करना स्टार्ट किया था एंड मेरे एक्ने चले गए थे एंड मेरे एक्ने मार्क्स जो भी थे वो भी धीरे धीरे चले गए थे, बट अगेन मुझे ये एक्ने हो गया है बिकॉज मुझे थोड़ा हार्मोनल इशू है, बिकॉज ऑफ माई PCOD तो मुझे एक्नेज हो जाते हैं। ऑल राइट, सो ये तो हो गई मेरी स्किन टाइप की बातें और मेरे एक्ने जर्नी। नाउ अगर मैं बात करूँ ट्रेटिनोइन की, सो ये कुछ इस तरीके से दिखती है ट्रेटिनोइन क्रीम। नाउ मैंने इसे तभी ही ख़रीदा था इसको, आई थिंक मुझे इसको यूज़ किए हुए अराउंड 1.5 साल हो गया है। सो कुछ इस तरीके से दिख रही है ये क्रीम। नाउ ट्रेटिनोइन क्या होता है? ट्रेटिनोइन एक रेटिनोइक एसिड होता है और ये एक टाइप का विटामिन ए होता है। नाउ विटामिन ए आपके फेस पे जो भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, एक्ने, एक्ने मार्क्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह जो भी होता है उसको निकालने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और आपकी स्किन पे जो भी कोलाजन होता है उसको बूस्ट करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा प्लम्प बनाता है। अगर आपकी स्किन में कोई भी टेक्स्चर वगैरह होगा तो उस टेक्स्चर को इम्प्रूव करता है। नाउ इसको यूज़ करने का तरीका होता है, अगर आप उस तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकता है। नाउ ये जो क्रीम है, ये ट्रेटिनोइन जो है, ये एक्चुअली डर्मेट सजेस्ट करते हैं, सो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप फार्मेसी से जाके ये ख़रीदो और यूज़ करो। दो मैंने ऐसा किया था एंड लकीली आई वॉज़ लकी कि मेरे फेस पे काफ़ी अच्छे से काम किया है एंड मैंने काफ़ी सारा रिसर्च भी किया था कि आपको इसे यूज़ कैसे करना है। नाउ अगर मैं इस क्रीम की बात करूँ तो इसमें मेरे पास है 0.05% वेरिएंट, इसमें 0.025% वेरिएंट भी आता है एंड आई थिंक 0.10% भी आता है, बट यूजुअली 0.05% ही रेकमेंड करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। नाउ सेंसिटिव स्किन वाले को ही नहीं, चाहे आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, आपको हमेशा प्रोडक्ट को पैच टेस्ट करना ज़रूरी होता है, इससे आपको पता चलेगा कि आप उस प्रोडक्ट से एलर्जिक हो या नहीं। नाउ अगर मैं बात करूँ कि आप इसे यूज़ कैसे कर सकते हो, सो फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 0.025% वाला वेरिएंट यूज़ करें, क्योंकि वो जो ट्रेटिनोइन है 0.025% वो थोड़ा सा माइल्ड होता है 0.05% से। सो इनिशियली जब आप उस ट्रेटिनोइन को यूज़ करोगे तो सबसे पहले तो आपको उस क्रीम को 30 मिनट्स तक ही रखना है आपके फेस पे एंड आप देखो कि आपकी स्किन उस क्रीम को कैसे टॉलरेट कर पाती हैं, आपकी स्किन कैसे रिएक्ट करती है उस क्रीम से। नाउ अगर आपको इतनी ज़्यादा इचिंग नहीं होती, आपको इरिटेट नहीं होता है, तो आप इसे इनिशियली तो 30 मिनट्स के लिए ही यूज़ करो
एंड देन आप इसे ओवरनाइट रख सकते हो. नाउ ओवरनाइट रखना मैं इनिशियली सजेस्ट नहीं करूँगी आपको, आपको पहले बस 30 मिनट्स तक ही यूज़ करना है. एंड 30 मिनट्स तक अगर आपकी स्किन ने इस क्रीम को टॉलरेट किया तो आप नेक्स्ट वीक से ओवरनाइट रख सकते हो इसे. सो आप पहले हफ्ते में बस इसे एक बार यूज़ करो, ओवरनाइट रखो इसे. एंड नेक्स्ट डे आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है. मतलब सनस्क्रीन इतना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ट्रस्ट मी गाइज. अगर आप सनस्क्रीन नहीं यूज़ कर सकते हो तो डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट डे आपको सनस्क्रीन यूज़ करना मस्ट है. और ट्रेटिनोइन को आपको हमेशा नाइट में ही यूज़ करना होता है, दिन में बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए. एंड इसको लगाने का एक तरीका भी होता है जो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ. सो आप इसे हफ्ते में पहले एक बार यूज़ करो एंड देन धीरे धीरे आप हफ्ते में इसे दो बार यूज़ करो एंड देखो कि आपकी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है. फिर धीरे धीरे आप इसे हफ्ते में तीन बार या फिर चार बार आप इसे कर यूज़ कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर स्किन टाइप. नाउ मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो मैं इस ट्रेटिनोइन को यूज़ करें तो मेरी जो स्किन है वो एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है. ट्रस्ट मी गाइज, मेरी स्किन पील होने लगती है. यस, सो ये एक साइड इफ़ेक्ट है, आपकी स्किन पील होती है. बट नॉट वरी, ये जो पीलिंग होती है वो थोड़े टाइम के लिए रहती है एंड देन उसके बाद चली जाती है ये पीलिंग. नाउ पील क्यों होते हैं? आपके फेस पे जो भी डेड स्किन सेल्स की लेयर होती है उसे हटाता है, उसके वजह से पील होता है. एंड जब आपकी स्किन पील होती रहती है तो आप डिफरेंस देखोगे कि आपके जो भी डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन वगैरह होता है वो धीरे धीरे फेड होते हैं. नाउ ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं है, मतलब आपने इसे बस दो तीन दिन यूज़ किया एंड आपको रिजल्ट मिलेगा. नो गाइज, ऐसा नहीं है. आपको इसे रिलीजियसली यूज़ करना पड़ेगा एंड देन आप कुछ हफ्ते में आप डिफरेंस देख सकते हो. सो अगर आपकी स्किन ले पा रही है तो आप इसे वीक में तीन से चार बार यूज़ कर सकते हो. सो मैं इसे वीक में लाइक ऑल्टरनेट डेज यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन है वो ड्राई टू एक्सट्रीमली ड्राई हो जाती है, इसलिए मैं इसे रोज़ यूज़ नहीं करती हूँ. और आप ये भी साइड इफ़ेक्ट्स देखोगे कि आपकी जो स्किन है वो थोड़ी सी रेड हो गई है. बट डू नॉट वरी, ये नॉर्मल है, ज़्यादा टाइम तक ये रेड नहीं रहती, थोड़ा टाइम के बाद जो वो रेडनेस है वो चली जाती है. सो अगर आप इस क्रीम को यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर टू यूज़ सम गुड मॉइस्चराइज़र क्योंकि आपकी स्किन को एक्सट्रीमली ड्राई बना देता है. तो मॉइस्चराइज़र इम्पॉर्टेंट है और आप बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी नाइट क्रीम यूज़ कीजिए. और जब भी आप ट्रेटिनोइन को यूज़ करते हो, प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, मतलब जैसे कि विटामिन सी हो गया, अल्फा आर्बुटिन हो गया, कोजिक एसिड वगैरह हो गया, ऐसी कोई भी एसिड क्रीम वगैरह यूज़ मत कीजिए. आप नायासिनमाइड यूज़ कर सकते हो बिकॉज नायासिनमाइड ट्रेटिनोइन के साथ काफ़ी अच्छे से जाता है. सो आप नायासिनमाइड यूज़ कर सकते हो. आप हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज हाइलुरोनिक एसिड आपके फेस पे काफ़ी अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, तो आप हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ कर सकते हो. नाउ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसे ऐसे यूज़ कीजिए, आप नायासिनमाइड के साथ पेयर अप कर सकते हो अगर आपकी स्किन ज़्यादा इरिटेट नहीं होगी तो. सो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वगैरह है और बट आपको ये प्रोडक्ट सूट हो रहा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पहले मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए एंड देन उसके बाद आप इस क्रीम को अप्लाई कीजिए तो आपकी जो स्किन है वो ज़्यादा इरिटेट नहीं करेगी आपको. आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इसको. और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ऑयली वगैरह है तो आपके फेस को अच्छे से वॉश करके टोन कर लीजिए, मतलब टोनर अप्लाई कर लीजिए. टोनर के लिए आप कोई भी रोज़ वाटर वगैरह यूज़ कर सकते हो एंड देन जब वो टोनर अच्छे से सूख जाए, आपकी स्किन अच्छे से ड्राई होनी चाहिए एंड देन आप इस ट्रेटिनोइन को यूज़ कीजिए आपके फेस पे. नाउ इस ट्रेटिनोइन को यूज़ करने के बाद आप वेट कीजिए 5 to 10 minutes एंड देन 10 minutes के बाद आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए या फिर आपकी कोई भी नाइट क्रीम वगैरह अप्लाई कर सकते हो आप. सो ये तो हो गई आपकी नाइट रूटीन. ना मॉर्निंग में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना मस्ट है. अगर आप सनस्क्रीन नहीं अप्लाई कर सकते हो तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ दिस प्रोडक्ट. अगर आप घर पे भी हो तो प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन, एटलीस्ट 30 SPF वाला सनस्क्रीन यूज़ कीजिए. क्योंकि क्या होता है, अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करोगे तो वो सन रेज़ की वजह से आपकी स्किन को डैमेज हो सकता है क्योंकि आपकी जो स्किन की ऊपर वाली लेयर होती है वो धीरे धीरे पील होती है और न्यू स्किन आती है. जो न्यू स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बहुत ज़्यादा बेबी सॉफ्ट होती है, तो सन के एक्सपोजर में आके आपको सनबर्न हो सकता है, आपकी स्किन काली हो सकती है. सो प्लीज़ वेयर सनस्क्रीन. एंड मॉर्निंग में भी आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना मस्ट है. सो मॉर्निंग में भी आप अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप. जो आपको मॉइस्चराइज़र सूट करता है आप वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कीजिए एंड सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए. एंड जब भी आप इस क्रीम को यूज़ करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको कितने टाइम में डिफरेंस दिखेगा.
नाउ अगर आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम है तो एक्ने पे ये अराउंड 4 to 6 weeks लेगा उस एक्ने को ख़त्म करने के लिए. नाउ इनिशियली आपको क्या लगेगा कि आपकी जो एक्ने है वो थोड़े से वर्स्ट हो गए हैं, बट डू नॉट वरी, ये यू नो इस क्रीम के काम करने का एक तरीका होता है. सो धीरे धीरे आपको उस एक्ने में यू नो डिफरेंस दिखेगा, आपके एक्ने कम होते जाएंगे. नाउ अगर आपको एक्ने मार्क्स है, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स वगैरह है, तो ये अराउंड 3 to 4 months लेगा उस डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिमूव करने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन के वो डार्क स्पॉट्स कितने ज़्यादा डार्क है और यू नो कितने ज़्यादा डीप है. सो इतना टाइम तो लेगा ही, बिकॉज ये ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं है, आपको इसे रिलीजियसली यूज़ करना होता है. नाउ अगर आप फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, आपकी स्किन में वो फोल्ड हो जाता है. सो उस फोल्ड को अनफोल्ड करने के लिए ये जो ट्रेटिनॉइन है ये अराउंड 9 months to 12 months लेगा. यस, ये फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह पे भी बहुत अच्छे से काम करता है. ये एक एंटी एजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आपके स्किन पे जो भी रिंकल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है उसको यू नो डीले करता है ये ट्रेटिनॉइन. सो ये आपकी स्किन पे कोलाजन लेवल को बूस्ट करता है एंड आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है, रेडियंट बनाता है. एंड अगर आपकी स्किन पे कोई भी टेक्सचर वगैरह होगा उस टेक्सचर को भी ये यू नो फ्लैट कर देता है, तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है. नाउ आई डोंट नो ये लाइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट क्यों हो रही है. एनीवेज, सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको शेव करना है सो आप ट्रेटिनॉइन 3 to 4 days तक अप्लाई मत कीजिए, एंड देन आपके फेस को आप शेव कीजिए. एंड शेव करने के बाद भी आपको 3 to 4 days तक ट्रेटिनॉइन अवॉइड करना है, आपको अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आपकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है. सो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है. नाउ अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर अगर आप कंसीव करने वाले हो तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ ट्रेटिनॉइन, क्योंकि यू नो ये प्रेगनेंसी के लिए नहीं होती है, प्रेग्नेंट वुमेन को यूज़ नहीं करना चाहिए. और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इस ट्रेटिनॉइन को यूजुअली मेरी चीक पे अप्लाई करती हूँ और स्पेशली यहाँ पे एक्ने पे अप्लाई करती हूँ. सो आपको इस क्रीम को बस थोड़ा सा लेना होता है, पी साइज अमाउंट जितना लेना होता है, एंड ये पी साइज अमाउंट आपके पूरे फेस के लिए काफ़ी होता है एंड आपको आपके फेस पे अप्लाई करना होता है. ना अगर आपको सिर्फ नोज़ पे अप्लाई करना है तो आपको एकदम टाइनी बिट अमाउंट चाहिए, एकदम लाइक इतना छोटू सा अमाउंट चाहिए एंड आपको आपके नोज़ पे अप्लाई करना होता है. और आप इस ट्रेटिनॉइन को यूज़ करने के बाद आपका मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हो. नाउ आपको आई के अराउंड अप्लाई नहीं करना है. अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपके डार्क सर्कल्स चले जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. आपकी आई का जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है एंड वो जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है. सो आपको आई के अराउंड अप्लाई नहीं करना है, आपको ये नोज़ के कॉर्नर में वैज़लिन अप्लाई कर लेना है ताकि ट्रेटिनॉइन वहाँ पर अप्लाई ना हो, क्योंकि ये जो नोज़ का कॉर्नर होता है वो भी एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है. सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग ट्रेटिनॉइन ओवर हियर. एंड आपके माउथ का एरिया भी अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप अवॉइड कर सकते हो ट्रेटिनॉइन यूज़ करना वहाँ पे. यस, ये ट्रेटिनॉइन आपके ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को निकाल देता है. एंड आपकी जो भी स्किन कंसर्न होगा, चाहे वो एक्ने हो गया, एक्ने मार्क्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, सोरियासिस, फाइन लाइंस, रिंकल्स वगैरह, जो भी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम के लिए ये क्रीम बेस्ट है. सो आप ये क्रीम ट्राई कर सकते हो, बट डर्मेट को कंसल्ट करने के बाद. और अगर मैं प्राइस की बात करूँ ये क्रीम की, तो आई थिंक इसका प्राइस है अराउंड 150 to 200 rupees एंड ये आपको काफ़ी टाइम तक चल जाता है, बिकॉज आपको बस थोड़ा सा अमाउंट चाहिए रहता है. सो यार, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. एंड आई थिंक मैंने आपको सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए. एक क्वेश्चन रह गया है, क्या इसे लड़के यूज़ कर सकते हो? ऑफकोर्स आपका कोई भी जेंडर हो, इट डजेंट मैटर, आप इसे यूज़ कर सकते हो. और यस, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे दिए. अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे या फिर कोई भी क्वेश्चन रह गए होंगे तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स डाउन बिलो, मैं आपके उन क्वेश्चन का आंसर करूँगी. और अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए. सो डू नॉट वरी. सो यस, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई रियली होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. देन प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स. एंड यस, आई शैल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी. बाय.